ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮੋ ਬੁਧਾਏ ਜਮਨ ਵਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ ਦੇ ਵਿਮ ਸਾਥੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੂਐਸਏ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਮਾਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਔਰ ਮੀਨਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਪੜਾਨੰਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੈਂ स्वागत करते हैं उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी संत त्रिपाठानंद जी आपका वॉइस ऑफ मानव टीवी पर बहुत बहुत स्वागत सत श्री अकाल जी। जी मेघराज जी सत श्री अकाल गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह नमो बुद्धाय जय भीम और जोहार और अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे जी। ब्रज मोहन जी आपका भी वॉइस ऑफ मानव टीवी पर बहुत बहुत स्वागत सत श्री अकाल जय भीम भाई साहब मीना जी आपका भी वॉइस ऑफ मानव टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है सत श्री अकाल जी जय भीम। थैंक यू सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नमो बुद्धाय जय भीम सभी को जय भीम। जी मेरा सबसे सवाल आपसे मोहन जी मैंने आपसे कहना चाहता हूँ जैसे मैंने आपका एक यूट्यूब पर गाना देखा है उस पर उसमें जो मीना जी गा रही हैं उसमें तो ये जो आपके अंदर लिखने का जो मैं आपके नाम के अंदर जो लिरिक्स लिखा है उसमें तो लिखने का ये शौक कब से लगा आपको इसके बारे में बताया थोड़ा। जी सर जैसे लिखने के हालात मतलब शौक तो हालात करवाते हैं जी। मेरे को लिखने का शौक बचपन से ही था और मैं स्कूल लाइफ से ही लिखता आ रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए कॉलेज लाइफ में गए तो हमने महसूस किया कि हमें समाज के लिए लिखने की जरूरत उसी को सोचते हुए हमने मतलब स्कूल लाइफ से और बचपन से। मीना जी आप बताए थोड़ा इसके बारे में जो आप इनके गाने इनके गाते हैं आप लिखे हुए या आप पहले से जब शादी मेरे ख्याल शादी होने के बाद में गाना स्टार्ट किया आपने या पहले से ही गाना स्टार्ट किया आपने तो शुरू में अपना कौन सा गाना गाते आपको बता दें कि हम प्रोफेशनल सिंगर नहीं है कि हमने कहीं से सीखा हो गाना या गाने का सिर्फ एक शौक था क्योंकि हम आपको बताते हैं छोटे से गाँव से है तो इस तरह की गायकी वगैरह हमने तो कभी बचपन में सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मंचों पे गाएंगे। गाना अच्छा लगता था ये बात सही था स्कूलों में गाया करते थे और जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते हैं स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस उन पे अक्सर किया करते थे तो उसी टाइम से गाना हमें अच्छा लगा और काफी शादी के बाद भी हमने जैसे घर में जब चाहे खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो हम गुनगुनाते रहते तो हमें अच्छा लगता था गाना काफी पसंद है गाना गाना तो ये सब हमारे हस्बैंड ने देखा कि इनको गाना अच्छा लगता है तो सर इन्होंने हमारी सपोर्ट की कि आपको बाबा साहब के लिए गाना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो कुछ किया है बाबा साहब ने वो हम जैसी महिलाओं के लिए ही किया है तो हमें भी कुछ बाबा साहब के मिशन के लिए अगर उनके मूवमेंट में कुछ दे सके अपनी तरफ से तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये गर्व की बात है सर। स्वामी जी जैसे इन्होंने मीना जी ने कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया कुछ सब बहुत कुछ किया है तो आपका क्या मानना है इसमें बाबा साहब ने सिर्फ महिलाओं के लिए किया या बहुत लोगों के लिए किया इसके बारे में क्या कहेंगे आप स्वामी जी। क्या विराज जी आप हमसे कुछ रहे हैं? हाँ जी जी मीना जी ने बोला है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है बहुत कुछ लेकिन उन्होंने हाँ। सिर्फ महिलाओं के लिए किया है या सभी के लिए किया उन्होंने क्या क्या कहा वो महिला मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने जी। मेघराज जी ऐसा है कि वो बहन जी महिला है इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए सब कुछ किया है जी उन्होंने सबके लिए किया है वो मतलब बाबा साहब का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए भी किया जी बिल्कुल ब्राह्मणों के लिए भी किया है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए इनजस्टिस या अन्याय नहीं किया है उनको भी उनकी चिंता में वो भी है भले ही ब्राह्मणों ने उनके साथ हमेशा दुश्मनी रखी हो आज भी रखते हैं उनके संविधान को जलाते हैं उनके संविधान को नष्ट करना चाहते हैं और शब्दावली तो देखो संविधान की समीक्षा करते हैं समीक्षा ये समीक्षा होती है उसको हटाना उसको नष्ट करना
उसकी अवहेलना करना, उसकी आकर के और उसके विपरीत कार्य करना, ये समीक्षा कहलाती है। ये तो उसके साथ गद्दारी है। लेकिन वो उनके शब्दावली ऐसी रहती है कि आप शब्दावली में तो उनकी कभी भी मतलब कुशलता को प्राप्त नहीं कर सकते। छल कपट धूर्तता तो नंबर एक की उनमें भरी रहती है ना। तो शब्दावली तो देखो आप, वो क्या एक शब्द बोलते धर्मांतरण, धर्मांतरण। अब बताओ धर्मांतरण एक शब्द है। अरे जिनको तुमने मंदिर में जाने नहीं दिया, जिनको मंदिर की डेढ़ी पर चढ़ने नहीं दिया, जिनको देव दर्शन करने नहीं दिया, जिनको पूजन अर्चन करने नहीं दिया, जिनके घर में आप कभी गए नहीं, आपने राम कथा भागवत कभी की नहीं, अपनी राम कथा भागवत में आने नहीं दिया, वो अगर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए किसी जगह जाए तो आप उसको धर्मांतरण कैसे कह सकते हो? वो तो धर्म वंचित लोग हैं, उनके लिए तो धर्म प्रवेश है। लेकिन शब्दावली सुनिए, शब्दावली करने में उनको कोई देर नहीं लगती है। धर्मांतरण शब्द कर लिया, जैसे कि एक शब्द बताते हैं आपको हम, बंध्या पुत्र। बंध्या पुत्र, बंध्या का मतलब होता है हिंदी में बांझ। ए वुमेन दैट इज कंप्लीटली इनफर्टाइल, एक ऐसी महिला जिसको संतान नहीं होती, बंध्या कहलाती है। और पुत्र यानी उसका बेटा, किसी बच्चे का पिता संदिग्ध हो सकता है, उसमें डाउटफुल हो सकता है, लेकिन माँ संदिग्ध नहीं होती, उसको पक्का मालूम है। स्वामी जी मैं एक मिनट रुकना चाहता हूँ। तो बंध्या पुत्र शब्द है, लेकिन अगर वो बंध्या होगी तो पुत्र नहीं हो सकता, और पुत्र हुआ तो वो बंध्या नहीं हो सकती। लेकिन शब्द लड़ने में क्या देर लगती है? ऐसे धर्मांतरण एक शब्द है, ऐसे संविधान की समीक्षा एक शब्द है। तो जो बहन जी को लगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो महिलाओं के लिए बहुत किया, हालांकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, उन्होंने बोला है कि उनके जो हस्बैंड है, पति देव है, जो भाई जी हैं, उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, इसलिए आपको बाबा साहेब के लिए कुछ करना चाहिए, उनकी याद में गाना चाहिए। वो उन्होंने अपनी ओर से भी नहीं बोला है, लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि वो बोल रही होंगी, और उनको बोलना उचित है। अगर आपके प्रति किसी ने अच्छा किया है तो आप जरूर बोलिए, बोलना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा किया है तो केवल उनके लिए अच्छा किया है, उनको बाकी जो लोग हैं उनके प्रति भी अच्छा किया है। और हमारी जानकारी जो ऐसी है कि अगर किसी ने शत्रुता रखी हो बाबा साहेब के साथ, उसके लिए भी उन्होंने न्याय और नीति से ही सोचा होगा। ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि उन्होंने किसी के प्रति दुर्भावना रखी हो। नहीं स्वामी जी, दरअसल क्या है, अगर इनको जो जिनको सूद बढ़ाया ब्राह्मणों ने, उनको तो मंदिर में नहीं जाने दिया, ये अच्छा ही किया उन्होंने कि भगवान तो उनको नहीं आज तक मिला, 4-5 हजार साल से हो गए और रगड़ रहे, नाक रगड़ रहे, सिर पटक रहे, भगवान उनको नहीं मिला ना दर्शन भी उनको, तो उन्होंने अच्छा ही किया, इनके लिए गलत नहीं किया। उसका कारण कुछ और हम बताएंगे आने वाले वक्त में। मीरा जी आपको बताएं, वो भाई साहब का दर्शन करके शायद सबसे शुरू में आपने किस गाने को गुनगुनाया था, थोड़ा उसके बारे में गुनगुना के दिखाएं। मीरा जी आपने शुरुआत में गाना गाया था उसको थोड़ा हमें गा के दिखाए, ताकि कौन सा गाना गाया था शुरुआत में बाबा साहब के ऊपर। जी सर, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने हमारे केलारस में एक बुद्ध कथा हुई थी करीबन 3 साल पहले। उस बुद्ध कथा में हुआ ये था सर कि हम सिर्फ हमको शौक था, बाकी बाबा साहब की बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो सारी चीजें हमें पता था क्या है बाबा साहब, किसके लिए क्या किया है। हाँ स्वामी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, एक ओनली बहुजन समाज की महिलाएं नहीं बल्कि स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं, क्योंकि उनको भी इन्होंने जो स्वर्ण लोग हैं उन लोगों ने अपनी महिलाओं को भी इन्होंने दलित बना करके और शोषित वो लोग करते आए थे, तो उनको भी इन्होंने अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने। और जितने भी हमारे देश में जितने भी शोषित वर्ग है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उन सबके लिए बाबा साहब ने हक दिया है और बाबा साहब सबके लिए लड़े थे। तो सर मैं जो गाना मैंने फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ बुद्ध कथा हुई थी, तो जो बुद्ध कथा वाचक थे
उन्होंने हमसे कहा कि क्यों ना आप गाना स्टार्ट कुछ आप अच्छा गा लेती हो तो आप बाबा साहब के लिए आप गाते हो कि हाँ। मैंने कहा सर अच्छा तो लगता है मुझे बाबा साहब के लिए गाना, बाबा साहब के लिए तो मैं जो भी कुछ करना चाहूँ वो मेरे लिए कम है। तो बोले कि आप क्यों ना उनके लिए कुछ गाएं स्टेज पे, आप अच्छा गाते हो। तो हमने कहा बिल्कुल सर। तो सर कुछ टाइम हमने रिहर्सल की और जब हमें लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद जब हमारा उन्होंने वहां पर जब प्रोग्राम करवाना स्टार्ट किया तो उससे पहले वो हमसे कहने लगे कि अब टाइम नहीं है, हम आपको मतलब मंच पे टाइम नहीं दे सकते गाने के लिए। तो हमने कहा कि जी आपने हमसे 3 दिन पहले कहा था कि आपको स्टेज पे गाना चाहिए, अब ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप मुझे गाने नहीं दे रहे हो। तो बोले कि नहीं नहीं वो अब टाइम नहीं है इतना तो आप रहने दीजिए। नहीं नहीं मैंने कहा मैं तो गाऊंगी, मैंने अब मैं प्रोग्राम की तैयारी की है और मैंने सारी अपना काम कर लिया है तो मैं गाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको गाना है तो एक सिंगर है आपको उनसे कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, मेरे से कहा। हेलो जी सुन रहा हूँ बात, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, तो हमसे कहा कि आपको जी कि आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कंपटीशन मैंने कभी स्टेज पे गाया नहीं है और जिनके साथ आप करवाना चाह रहे हो कंपटीशन वो तो काफी टाइम से गा रही है, मुझे तो पता भी नहीं है कि स्टेज पे कंपटीशन कैसे होता है क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं मात्र बाबा साहब को बुक्स पढ़ती हूँ, उनके विचारों को रखना चाहती हूँ, बाकी मुझे किसी कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं है। अरे कि नहीं आपको अगर प्रोग्राम करना है तो उनके साथ में ही करना होगा। फिर हमने कहा थोड़ा हिम्मत बंधा अपने अंदर कि चलो ठीक है हम तैयार है करने के लिए। फर्स्ट टाइम में हमको कंपटीशन दे दिया गया सर। तो जब हमने कंपटीशन किया तो सर स्टार्टिंग हमसे ही करवाई गई कि शायद कि पता नहीं क्या उनके मन में था हमको नहीं पता, लेकिन वो फर्स्ट प्रोग्राम सर हम इनका भी कनेक्शन कट गया है। तो स्वामी जी मेरे ख्याल से ये इनका नेट का स्लो चल रहा है शायद। तो ये जो हमने आज नया एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ये आज हम वैसे हम ब्राह्मणवाद को करते रहते हैं दोबारा प्रोग्राम, एक हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, उनका भी कनेक्शन कट गया, वो दोबारा फेस जुड़ सकते हैं। जी ब्रज मोहन जी आप बताएं थोड़ा इसमें कि जो आपने गीत लिखा था इसमें शुरुआत में कौन सा गीत लिखा था उसको थोड़ा हमें बताएं, उसकी लाइन बताएं दो चार, कौन सा आपने स्टार्ट किया था ये। जो बाबा साहब का शुरू वाला, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई साहब, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आवाज ठीक करें। एक सेकंड आप बताएं जी। हेलो अब आ रही है जी? ठीक, तो मैं पहला गाना बताता हूँ, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ना ही टाइम मिला है क्योंकि वो एक बॉलीवुड धुन पे था और अधिकतर मैं प्राइवेट कंपोजिशन बनाता हूँ, खुद का म्यूजिक बनाता हूँ। तो मेरा पहला गाना था हम जय भीम जय भीम कहते हैं भीम हमारी सांसों में रहते हैं दुनिया ने ठुकराया है बस भारत में छुपाया है, बुद्ध से कितना ज्ञान मिला बस ये तुमको बताया है, अपना है एक सपना बुद्ध में हो देश अपना है एक सपना बुद्ध में हो देश अपना, गलियों में आ जाओ जय भीम ही तुम गाओ, हम जय भीम कहते हैं। तो इसका भावार्थ है कि जो दुनिया ने अपनाया है बुद्ध धर्म को लेकिन भारत में छुपाया है इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के, इसी को ध्यान में रखते हुए इस गाने की रचना शुरुआत मेरा पहला गाना यही है। तो आपने बहुत बहुत आपने अच्छा गाना है जो लिखा है,
स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इनके गाने के ऊपर आप? जी सर, उनको बहन जी को जुड़ जाएंगे दोबारा जैसे पहले जुड़े थे ना, जुड़ जाएंगे दोबारा। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इनके गाने के ऊपर आप? जी, जो गाने की बंदिश है वो बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस ये है कि जो तथ्यात्मक बात है वो यही है कि पूरे विश्व में बुद्ध को सभी लोगों ने अपनाया है और भारत में बुद्ध को छिपाया है या दबाया है। दबाया है शब्द अच्छा नहीं है, छिपाया है कहने में ठीक आता है जरा। अब एक मजे की बात देखिए, तथागत बुद्ध को अगर आप गूगल में 24 इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु, यानी विष्णु भगवान के 24 अवतार, वो अगर आप गूगल में डालेंगे, सर्च करेंगे, तो उसमें तथागत बुद्ध एक विष्णु अवतार के रूप में आएंगे। अब आप हैरानी की बात यह है कि तथागत बुद्ध जिंदगी भर अवतारवाद का खंडन करते रहे और इन लोगों ने उनको अवतार बना दिया है। ये जो बौद्ध समुदाय है बुद्ध को मानने वाले हैं, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हाई कोर्ट में लगाना चाहिए कि साहब भगवान बुद्ध अवतारवाद के विपरीत, मतलब उनका विश्वास नहीं था, उन्होंने हमेशा अपने उपदेशों में कहा है कि अवतार कुछ नहीं होता है और इन्होंने उनको ही 24 अवतार में एक डाला हुआ है, तो इनसे पूछा जाए कि अगर वो विष्णु के अवतार हैं तो भारत के किस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है, बताओ आप? किसी में नहीं है। नहीं, आप मेरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब उनके सारे भगवान मंदिरों में पूजित रूप में विराजमान है, तो बुद्ध को जब आप विष्णु का अवतार मान रहे हैं केवल स्वार्थ के लिए, ताकि बुद्ध धर्म को छिछिल करने के लिए, जब ये अपने प्रतिद्वंदी से जीत नहीं पाते हैं तो उसके साथ मिल करके भीतर घात करते हैं, तो ये अब बुद्ध को उन्होंने बना लिया 24 अवतार में से, यानी कि बुद्ध धर्म की जो जड़ है उसी को काट के खत्म कर, वो बुद्ध धर्म तो अवतार के विरुद्ध है और उन्होंने बुद्ध को ही अवतार बना दिया। देखो आप, ये किसी को पता नहीं है, आप गूगल में डालोगे तब पता चलेगा आपको कि ये करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर में एक PIL लगाना चाहिए सबको कि साहब इनको ये बताया जाए कि ये बुद्ध 24 अवतार में है तो किसी मंदिर में, इनके जो भी मंदिर हैं, किस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है जिसकी ये लोग उपासना और पूजा करते हैं, अगर इनके अवतार है तो। तो अवतार है ही नहीं है, लेकिन आपको कमजोर करने के लिए अपने खाते में डाल के रखते हैं। वो अंबेडकर साहब को भी वो ऐसा प्रचारित करते हैं कि वो तो मतलब ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के हितैषी थे, ये अब इनकी चालू हो गई है और ब्राह्मण की पूजा करना शुरू कर दिया है और फिर बाद में कहेंगे कि ब्राह्मण से ही मंत्र बोलवाओ, पूजा करवाओ, यानी कि वही का वही फिर से, ये आफत बहुत बड़ी है। वो तो ये काम कर, जो भी पॉपुलर होता है इंसान उसको, जैसे रविदास जी के बारे में बोलते हैं, पिछले वो जन्म में ब्राह्मण थे, उन्होंने किसी ब्राह्मण के घर का खाया और वो मतलब चमार के घर का खा लिया तो उस करके चमार के घर पैदा हुआ, ऐसे फोकट, एक ऐसी फोकट की कहानियां जोड़ रखी साथ में, आने वाले वक्त में डॉक्टर अवतार बना खड़ा कर देंगे इसका, इस विष्णु का अवतार, तो इसको तो नहीं बढ़ने देंगे हम और काफी आगे तक। हम जो बड़े मोहन जी लड़की जुड़ी नहीं का साथ में, उनको बोले थोड़ा जुड़ जाए दोबारा, ऐसे आ जाए तो इसमें दोबारा ट्राई करें जैसे पहले जुड़े वैसे जुड़ जाए। चलो रिप्रेस करते हैं, कोई बात नहीं अभी एक। हाँ तो इसमें स्वामी जी, जैसे हम बात कर रहे हैं जी आज इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो नाम है पूरे विश्व में चलता है और केवल भारत में ही इसको ब्राह्मण नफरत का कारण नफरत से देखते हैं उसको, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? ब्राह्मण, उन्होंने तो किसी का बुरा नहीं किया स्वामी। नहीं, उसमें क्या है
अच्छा आप बताइए, जो बच्चा था एकलव्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य का उस ब्राह्मण का कोई बुरा किया था क्या? ये आप उनका बुरा करें उससे नहीं चिढ़ते हैं, आप जो है ना आगे बढ़े इससे चिढ़ते। तो एकलव्य एक बच्चा था और द्रोणाचार्य एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे, आचार्य थे उस विद्या के, तो उसके मन में एक भावना पैदा हो गई कि मैं भी अच्छे आचार्य से शिक्षा प्राप्त करूं, और वो उनके पास गया, आदर पूर्वक निवेदन किया उसने कि सर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने उसका नाम पूछा, जाति पूछी, फिर बोले कि नहीं नहीं वो आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि मैं केवल ब्राह्मणों, मैं केवल राजपुत्रों को सिखाता। द्रोण आचार्य ने कहा, ब्राह्मण ने, ब्राह्मण झूठ बोलने में नंबर एक रहते, देखो आप, मतलब झूठ उनको बोलने में कभी शर्म नहीं आती है। वो एकलव्य के टाइम पे झूठ बोल दिया उसने, ब्राह्मण ने बोला क्या कि देखिए मैं केवल राजपुत्रों को सिखाता हूं धनुर्विद्या। तो अपना जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसको क्यों सिखाया? वो राजपुत्र था क्या? झूठ बोला, मतलब झूठ बोला ना, इन लोगों को झूठ बोलने में कभी संकोच नहीं होता है, मालूम? झूठ बोलने में संकोच नहीं होता है। ऐसे ही शंबूक को भी मारा इन्होंने, शंबूक एक मतलब शूद्र जाति के, इन लोगों के हिसाब से। देखिए हम आपको बताएं, स्वामी जी अभी हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में कौन कौन हिंदू है बता दो। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है जो जनेऊ, जो धागा होता है ना यज्ञोपवीत, वो धारण करने का अधिकार जिनको है वो सभी हिंदू हैं, जैसे कि ब्राह्मण, जैसे कि क्षत्रिय, जैसे कि वैश्य, ये लोग जनेऊ पहन सकते। फिर बाकी जो लोग नहीं पहन सकते, वो भले ही अपने को हिंदू समझते हो, लेकिन ब्राह्मण उसको हिंदू नहीं मानता है, वो उसको शूद्र मानता है। और जो स्त्रियां होती हैं उनको भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण स्त्रियों को भी शूद्र मानते, तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति शुरू की, उसके इनको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली शुरू की वो खराब थी, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली दुरुस्त थी, अच्छी थी। तो हमने एक आध से पूछा, हमने कहा गुरुकुल की शिक्षा पद्धति अच्छी थी, तो उसमें जो शूद्र है वो आके पढ़ सकते थे क्या? तो वो भड़क गए। तो हमने कहा वो शिक्षा सबके लिए नहीं थी, तो लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति शुरू की है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है, आपको तकलीफ पाने की क्या जरूरत है, आप अपने गुरुकुल में अपना जो ब्राह्मणों की शिक्षा है उसको जारी रखिए, वहां कोई आपको हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जो दूसरे लोग वंचित वर्ग हैं, जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको ब्राह्मण ने शिक्षा से दूर रखा, उनके लिए लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की व्यवस्था की, तो आपको पीड़ा क्या है, किस चीज की पीड़ा हो रही है आपको? तो जो एकलव्य था मेघराज जी, उसने जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तो उसने अपनी प्रतिभा से जैसे सीख लिया, जैसे कि ये बहन जी है, इन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली और गाना सीख लिया, तो ऐसे उसमें प्रतिभा थी तो वो सीख गया। लेकिन ब्राह्मण को वो सहन नहीं हुआ, तो द्रोणाचार्य जी पहुंच गए उसके पास, है तुमने ये धनुष विद्या कैसे सीखी? इस कहानी को थोड़ा उसने उनकी की और कहा कि सर आपसे सीखी, हमने सिखाया नहीं, कैसे सीखी? बोले आपकी प्रतिमा बनाई थी उससे सीखी। ओहो, तो प्रतिमा बनाई, अब बताओ, ये तो उसने इज्जत की आपकी, आपने तो शिष्य नहीं बनाया ना, उसका गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया, बताओ आप, वो मतलब षड्यंत्र, छल, कपट, झूठ, ये इनके आभूषण है मालूम, गहने हैं। जी जी, क्या करेंगे जुड़ी है साथ में इधर से, क्या स्वामी जी ये जो लोग हैं, तो मैंने ये उनका कनेक्शन कटाया दोबारा आया, जो आप बात कर रहे हैं इसमें, जो हम बात कर रहे थे इनकी, जो उन्होंने गाना हमें गा के सुनाया है, तो आपने जो शुरुआत जो अभी तक कितने गाने गाए हैं आपने, इसमें कितने आपने गाने गाए इसमें, इसके बारे में बता दो।
मीना जी, मीना जी आवाज आ रही क्या हमारी? मीना जी आवाज आ रही क्या? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज कट रही थी। हम ये पूछ रहे हैं आपको कि अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं अपनी लाइफ में? जी अभी तक करीबन हमारे पास 1500-2000 के समथिंग गाने हैं, और जहाँ भी मौका मिलता है मंचों पे हम गाया करते हैं। थोड़ा गुनगुना के दिखाए कोई गाना, कुछ पर्सनल थोड़ा गुनगुना के दिखाए गाना जो मतलब अच्छा लगता है आपको अपने लाइफ के अंदर। हेलो जी, कुछ गाना गाकर दिखाए जो आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा गाना। जी सर जी, जी मुझे जो मेरा फेवरेट गाना है काफी पसंद है मुझे, वो बाबा साहब का कुछ इस तरह से है। ओ जय भीम बोल तेरा उद्धार हो जाएगा, बीच भवर में है सदियों से नया पार तू लग जाएगा। जय भीम ओ जय भीम। आगे उसका जो अंतरा है, पाखंड की ओट से था चारों तरफ उजाला, पाखंड की ओट से था चारों तरफ अंधियारा, जब भीम जात भेद के नाम पर होता था शोषण हमारा, पाखंड की कोट से था चारों तरफ अंधियारा, जात भेद के नाम पर होता शोषण हमारा, तब भीम आए की कोख से आया जमी पर एक तारा प्यारा। जब तारे आते हैं तो क्या होता है, यूं तो तारों के आने पर सब सो जाते हैं, मगर भीम वो तारा है यारो जिसने हमें जगाया है, और जगता ही जाएगा। जय भीम ओ जय भीम। सर इसका जो नेक्स्ट अंतरा, हेलो जी जी सुन रहे जी, जात बनाई उन्होंने और इस तरह से देखिए सर, जात बनाई उन्होंने ना जाने क्या का, उन मनवादियों ने जात किस तरह से बनाई है, जात बनाई उन्होंने ना जाने क्या 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 जात बनाई है, तू चमार में कोरी, हाँ मैं चमार तू कोरी, कोई खटिक कोई धोबी, भाई छोड़ दो इस भाषा को, हम सबको क्या करना है, भाई छोड़ दो इस भाषा को, हम सब है बहुजन भारत के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी। जब इस जातवाद रूपी भाषा को हम लोग छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, भाई छोड़ दो इस भाषा को, हम सब है भारत के मूल निवासी, हम छोड़ेंगे इस भाषा को, अखंड भारत फिर से बन जाएगा, सम्राट अशोक के जमाने का अखंड भारत फिर से बन जाएगा। तो कहना है, हम छोड़ेंगे इस भाषा को, अखंड भारत फिर से बन जाएगा। जय भीम
ओ जया भीम जया भीम जया भीम। और देखिए इन पाखंडियों ने हम बहुजन लोगों हम भारत के मूल निवासियों को कैसे लूटा है देखिए। देखो पाखंडियों ने कैसे लूटा है कैसे लूटा है। ना करे तनक मेहनत फिर भी मान उसका ऊंचा है। और दिन भर करे मजदूरी और दिन भर करे मजदूरी बालक उसका भूखा है बालक उसका भूखा है। गरे ठान ले तू मोहन गरे ठान ले तू मोहन शासन हमारा आएगा हमारा आएगा। हमारा शासन कब आएगा और जब हर एक मूल निवासी जब हर एक मूल निवासी शरण बुद्ध की जाएगा। जया भीम ओ जया भीम ओ जया भीम जया भीम। वाह जी वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बड़ा सुरीला और बड़े इसमें गाया है इसमें खुश होगा मना। स्वामी जी गाने के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप बड़ा बहुत सुरीली आवाज में गाया इन लड़की ने और अच्छा गाया अद्भुत जोड़ी है वो बना गाना लिखते हैं और ये गाना गाती अब तो क्या है एक दूसरे को कर रहे है ना। अब हम इनको कुछ सुझाव दे रहे हैं एक तो ये हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाए इनको नंबर हम बोल दे रहे हैं 8 9 6 9 8 9 9। देखिए 8 9 6 3 9 6 8 7 8 9 8 9 6 3 9 6 8 7 8 9। नहीं हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है मेघराज जी हम दुश्मन ढूंढते हैं और जो दुश्मन मिल गया वो दोस्त बन जाता दुश्मन नहीं करता बिल्कुल। तो हम अभी ये जो जोड़ी है जोड़ी है और हम इनके लिए बहुत सारी हम अपने अनुभव के हिसाब से हम इनके से सीनियर हैं तो इनको हम आशीर्वाद देते हैं इनकी शुभकामनाएं। दूसरी बात हम इनका प्रोग्राम देते हैं एक कार्य है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और आप बहुत अच्छा लिखते हैं और लिखने में हमारा भी बहुत काम है। अभी आपको एक गीत सुनाएंगे वो आपको काम आ जाएगा कहीं भी। आप लोग नुक्कड़ नाटक की तैयारी करिए छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक जैसे एकलव्य का अंगूठा जैसे खंबू की हत्या ये छोटे छोटे बाबा साहेब को कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ना आप नुक्कड़ नाटक करें तो धीरे धीरे ये जो है ना इससे ज्यादा होगा। गायन में आपको कंपटीशन उन्होंने डाला वो कोई बात नहीं है कंपटीशन के लायक वैसे भी हो आपका कंठ बहुत अच्छा है और अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है और भाई जी लिखते बहुत अच्छा है तो कभी होगा। तो एक तो आप लोग नुक्कड़ नाटक ध्यान दें और उसमें जो किन्नर समाज है किन्नर वंचित वर्ग है उनमें से किसी को जोड़ लें नुक्कड़ नाटक में तो क्या हो कि गाना बजाना नृत्य करना ये उनके मतलब शुरू को मालूम रहता है तो नुक्कड़ नाटक की सजावट होगी एक तो ये काम। दूसरा मूल निवासी जो भी है आप हर महीने की 14 तारीख को क्योंकि 14 अप्रैल को विश्व मानव विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है तो उसको साल में ना मनाया जाए क्योंकि जब आप साल में मनाते हैं तो ये मनुवादी लोग उसने षड्यंत्र करते हैं। अभी उन्होंने जो ये लगाया उसने 14 तारीख को उसको पूरा किया तो उसको 13 को पूरा नहीं कर सकते थे। 14 तारीख को बाबा साहेब का जन्मदिन ना मनाया जाए
ना मना पाए किसी प्राणी की तो उन्हें मनाने दिया। देखो अच्छा 6 दिसंबर को उनका निर्वाण, उस दिन को ये हम क्या डिस्टर्ब करते, उसको कहीं मंदिर का कार्यक्रम करते यानी उसमें भी डिस्टर्ब करते। तो आप एक काम करो, हर महीने की 14 तारीख को विश्व बहुजन दिवस के रूप में घोषित और उसको मनाना शुरू। आपको पता होना चाहिए कि भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की आजादी की घोषणा सन 1930 में 26 जनवरी के दिन लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उन्होंने तिरंगा फहराया था और भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी। इसीलिए 26 जनवरी की डेट से अंग्रेज लोग चिढ़ते थे, उन्होंने कहा 26 जनवरी को हम आजादी देंगे नहीं, और 6 महीने बाद थी 15 अगस्त। तो बाद में नेहरू जी का उसके साथ लगाव था, उन्होंने उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया, गणतंत्र दिवस के संविधान लागू कर दिया उस दिन से। तो 26 जनवरी का दिन हो गया, तो आप विश्व बहुजन दिवस 14 तारीख को मनाना शुरू कर दीजिए और उस दिन पूरे भारत में इवेंट हो, सब लोग जितने मूल निवासी बहुजन, 2 परिवार 4 परिवार 5 परिवार सामूहिक रूप से बैठ के भोजन करें। हमारा सुझाव है उस दिन बनाने के लिए, हमारा सुझाव सुन लीजिए, बहनी लोगों को आपको प्रेशर कर दो, इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती कभी कभी, इन लोगों को खाना मत बनाने दो, आप लोग बनाओ, क्योंकि इनको पति की जब तक बुराई नहीं करे ना तब तक इनका हेल्थ नहीं बनती। आप ये लोग आपस में बैठ जाएंगी और अपनी अपनी बुराई कर लेंगी ना, तो इनकी पति की बुराई करे तो इनको सहन नहीं है, और ये खुद करे तो इनको बहुत मजा आता है, इससे टॉनिक रहता है। पहले गांव की स्त्रियां स्वस्थ क्यों रहती थी, अपने अपने पति की कुएं में बैठ करके खूब पढ़ाई कर लेती थी, तो दूसरा नहीं कर सकता, कर सकती है, तो उनको कर लेने देना, भोजन आप लोग बना देना जरा, उसमें नमक वमक कम रहेगा तो छोटी छोटी बेटियां रहती है ना 12-13 साल की, वो पप्पा की मदद कर देगी, बेटा नमक डाल दे जरा, और थोड़ी बहुत रहेगी ना, तो इतना ज्ञान मिल जाएगा कि इनकी रसोई में आप गलती नहीं निकालोगे। तो आप हर महीने 14 तारीख को विश्व बहुजन दिवस मनाइए, जितने लोग परिवार मिल सकते हैं उनका सामूहिक भोजन करिए, आपके अंदर में लौ से लपट बनने की तैयारी करिए, जब आप लौ से लपट बन जाएंगे तब जो हवा हमको बुलाना चाहती है, मनुवादी हवा, ब्राह्मणवादी हवा या जो भी हवा, वो लौ को बुझा सकती है, लोगों को डरा सकती है, लेकिन लपट को वो मदद करती है। मैं कुछ मदद करूं जिज्जी, तो समाज को संसार को अपने अनुकूल करने का बटन, उसकी चाबी आपके पास है। आप लोगों से लपट बन जाइए तो ये दुनिया जो आपके विपरीत चल रही है वो आपके अनुकूल चलने लगेगी। हम आपको एक गीत सुनाते हैं, एक इंस्पायरेशन सॉन्ग है, एक प्रेरणा गीत है, आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। हम चले मिलकर कहां पर जी, हम चले मिलकर कहां पर, कोई जाता नहीं जहां पर, लोग सब कहते रहेंगे कोई पहुंचा नहीं वहां पर, कोई पहुंचा नहीं वहां पर, कौन सी अनजान मंजिल स्वप्न ने हमको सुझाई, और फिर हम चल पड़े हैं राह जो भी दिखाई, राह जो भी दी दिखाई, हम तो चलने को चले और चलते ही रहेंगे, राह जो कुछ ना मिलेगी होके राही चलेंगे,
हो के गुमराही चलेंगे हम जो चलते हैं राह पर गुमराह होकर हम तो चलते ही रहेंगे रास्तों को साथ लेकर रास्तों को साथ लेकर स्वप्न की मंजिल मिली तो स्वप्न की मंजिल मिली तो फिर भी हम ना रुक सकेंगे मंजिलों पर सांस लेकर फिर चलेंगे हम चले मिलकर कहाँ पर कोई जाता नहीं जहाँ पर लोग सब कहते रहेंगे कोई पहुँचा नहीं वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं वहाँ पर वाह जी वाह। मैं भी एक गाना सुना देता हूँ। मैंने शुरू शुरू में लिखा था गाना, ये मैं सुना देता हूँ, थोड़ा मैं ज्यादा सुना देता हूँ आपको सभी को। जी ये कवि सम्मेलन हो गया आप मेरा जी, मैं अपना गाना सुना देता हूँ। मैं आ जाइए ये हमने शुरू में गाना लिखा था 2018 में गाना लिखा था ये हमने, और ये शुरुआत जी लिखा था गाना, तो इसमें जो हमने जात पात को भी ठोका है इसमें और मनवादियों को भी इसमें रगड़ा है, तो बाबा साहब ने जो चट्टानी की तरह खड़े थे मनवादियों के सामने इसमें हमने जिक्रा किया इस गाने के अंदर, तो इसमें इस पर क्या करना चाहेंगे स्वामी जी। हमने शुरुआत में लिखा था गाना जो आज से 2 साल पे दो ढाई साल पहले। ये मेघराज जी ये गाना आप उनको बहन जी को दे दीजिए, वो उसको सजा देंगे, आपके बस का नहीं है वो गाना, आप लिखते जाओ गाने का काम इनको दे दो, जो जिसका काम है वही सीख करता है। नहीं नहीं मैंने गाया नहीं, कंठ होना चाहिए गाने के लिए, कंठ होना चाहिए उनके पास है तो। नहीं मैंने गाया नहीं, सिर्फ इसको उसको सजा देंगे और उपयोग कर लेंगे अपने कार्यक्रम में, नुक्कड़ नाटक में कहीं। और इन्होंने एक बात कही कि मनु वादियों का राज्य मतलब समाप्त हो जाएगा और बहुजन का या मूल निवासी का शासन आ जाएगा। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये करके दिखाने की बात है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मूल निवासी की एकता स्थापित होना चाहिए। अब आप उसको कैसे करते हो वो आपकी कुशलता पर निर्भर है। जो ये जो NRC CAA ये जो कानून है ना, ये आपको दिखता है कि मुसलमान लोगों के विरोध में है? नहीं है, ये मूल निवासी के विरोध में है। ये जो आदिवासी होते हैं ना, ये मूल निवासी है, इनको आदिवासियों के पास हमने 12 साल तक नर्मदा नदी की परिक्रमा की पैदल 12 साल तक, तो आदिवासियों के गांव रहते थे हम, उसमें ठहरते थे, उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते थे। तो उन लोगों का, उनको ये हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हिंदू की पहचान है कि वो 4 जातियां मानता है, तो आदिवासी जाति नहीं मानते। हिंदू की पहचान है
कि वो मान लो शाकाहारी रहता है, आदमी तो कोई शाकाहारी नहीं है, सब मांसाहारी टोटल। नहीं, ये और शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? ब्राह्मण तो पहले गाय का मांस खाते थे, आदिवासियों ने जंगलों में कोई मंदिर नहीं बनाए, देखो कहीं में मंदिर नहीं है उनके। तो ये जो है ना, ये अपनी बेमतलब के लिए बोलते रहते हैं। तो वहां आदिवासियों में हमने देखा तो जो मूल निवासी है उनके जो व्यवहार है वो बहुत अच्छे हैं। आप उन लोगों के साथ जुड़िए और उनको मतलब अपने आप में शामिल करिए ठीक से। तो वो लोग जो है ना बहुत दूर हो गए हैं, उनकी एक कल्चर है। सबसे बड़ा संकट CAA में उनके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आदिवासी लोगों की मान्यता है कि वो प्रकृति पूजक लोग हैं, प्रकृति की किसी चीज पर अपना हक जनाना पाप समझते हैं वो, इसीलिए जमीन भी अपने नाम नहीं करते। वो खेती की जमीन पे खेती कर रहे हैं 1000 साल से, लेकिन अपने नाम नहीं करते हैं, नाम करना अपराध मानते हैं। अब उसी कारण से उनको वहां से हटाने की योजना बनाते हैं कि आपके नाम पर नहीं है, तो वो उसको मानते नहीं है। तो इसलिए ये जो कानून है इसकी सबसे बड़ी आफत मूल निवासी पे आने वाली है। उनके पास कोई जमीने नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, कोई नाम पर नहीं है। तो इसलिए आपको लॉ से लपट बनना बहुत जरूरी है। सारे लोग एक हो जाइए, और एक होने का सबसे बड़ा आधार है कि हम आपस में मिल करके बैठ के भोजन करें। हमारा प्रयास यही है, हम कर रहे हैं कोशिश अपनी तरफ से। और आपने कहा है रोटी जो खिलाने का परिवार को इकट्ठा करने, हमने काम शुरू कर दिया। आप बताए कि जैसे स्वामी जी कह रहे इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो हम लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मीना जी, मीना जी मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है समझ में। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हम लोग जो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें इकट्ठे होने की जरूरत है सभी को, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें कैसे एक साथ हो सकते हैं सर? इसके लिए सबसे मेन जो चीज है वो है कि हम लोगों को जो भी बहुजन समाज में भी मनवाती लोगों ने बहुत सारी जातियां बनाई हैं, जो जो सूत्र लोग हैं उनको भी कई जातियों में विभाजित कर दिया है। हम आपस में एक एक हैं, फिर भी हम एक नहीं हैं, हमको बांट दिया गया है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो बेहतर तरीका है वो है अंतर जाति विवाह। जब अदर कास्ट में सूत्र सूत्र जो जिनको उन लोगों ने कहा है, जितने भी बहुजन समाज के समाज है वो सब आपस में जब अंतरजाति विवाह करने लगेंगे तो एक जगह बैठ करके हम सब लोग खाना खा पाएंगे, और शायद इससे एकता का एकता लाने का ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। जब हम आपस में सम्मत जोड़ेंगे, रिश्तेदारी जोड़ेंगे, सभी बहुजन आपस में रिश्तेदार बनेंगे, तो शायद हम एक हो सकते हैं, और एक होकर के नहीं, और तब कहीं जा करके हम एकता पाएंगे। और साथ में इसके साथ साथ जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी चीज है। हम हर अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं और समझाएं, अपने इतिहास के बारे में उनको बताएं कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। मोहन जी आप बताएं इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए, इससे जो दैत घोमरा दानव घोमरा जात पात का मनुवादी दानव इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो सर, सबसे पहले तो हमें अपने गले मार में जाकर देखना होगा, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डबल आवाज आ रही है आप दोनों की, ध्यान रखिए। क्या सर आवाज आ रही है मेरी? डबल आवाज, सिंगल नहीं आ रही, डबल आवाज आ रही है। जी अभी आवाज कम कर रहे जी। हाँ सर आवाज जी। हाँ सर जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आ रही आ रही कुछ जी बोलिए। तो मेघा जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें और किसी लड़ने से पहले हमें अपने गले मार में जाकर देखना होगा, अपने नींद हमारे समाज में ही कुछ कमियां हैं, जब तक हम उन कमियों को दूर नहीं करेंगे
तब तक दुश्मन से लड़ना, तब तक दुश्मन से लड़ना इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताते हैं, हर जगह समाज में एक हर गांव और शहर में देखने को मिलता है कि एक एक भाई को दूसरा भाई जो सक्सेस होता है वो उसकी आंख नहीं चुराता है। तो ये भावना जब तक हम अपने मन से नहीं निकालेंगे तब तक हम दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सिर्फ इसमें खुश हैं कि दूसरा बना लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रयास करेंगे उन सभी प्रयासों के लिए आर्थिक रूप से सफल होना बहुत जरूरी है। हमें छोटी छोटी बिजनेस से अपने समाज को बढ़ाना होगा, अभी जाकर के हम आर्थिक और राजनीतिक रूप में सफलता पा सकेंगे। अभी पिछले कुछ दशकों में हमें राजनीतिक रूप से असफलता मिली है, उसका सीधा सीधा फैक्ट एक हमारे समाज की आर्थिक स्थिति है। क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी हम कितने मिशनरी बने रहेंगे। अभी आपके सामने हम बैठे हैं, बाबा साहब के गीत गाते हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी कब तक टिकेगी? आवाज जबल आ रही है भाई, बस इसको थोड़ा या तो मिला ही फोन को। चलो मैं स्वामी जी आप बताएं थोड़ा लगे तो भोजनों को एक साथ जोड़ने के लिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे बता रखे हमें, तो दोबारा इस चीज को दोहरा दे ताकि इनको कुछ सीख मिल सके और एक जगह इकट्ठा हो सके। जी जी एक तो जो बहन जी हैं उन्होंने ये बहुत अच्छा कहा कि इंटरकास्ट मैरिजेस होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इंटरकास्ट तो नहीं है क्योंकि शूद्र तो सभी शूद्र ही है उनके हिसाब से, तो सभी एक ही हो गए, तो इंटरकास्ट तो नहीं कहलाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि जातियां भिन्न भिन्न बनी हुई हैं तो उसमें रोटी बेटी का संबंध बनेगा तो एकता स्थापित होगी, एक बात। दूसरी बात, रोटी बेटी का संबंध तब बन सकता है जबकि पहले रोटी का संबंध बने, जो कि अभी नहीं है। एक शूद्र एक दलित के यहां भोजन नहीं कर सकते, आप समझो, एक दलित एक अति दलित के यहां भोजन नहीं करता है। वो जितना ब्राह्मण उससे छूत मानता है उतना शूद्र भी दलित से छूत मानता है। तो ये सीधे सीधे विवाह के स्टेप पर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए पहले आपस में मिलने और हो सकता है तो थोड़ा सा भोजन व्यवहार करने की शुरुआत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से वो चीज शुरू होगी, सीधे विवाह संबंध से शुरुआत नहीं हो पाएगी। विवाह संबंध से उसको मतलब जान मिलेगी, उसमें जीवंतता आएगी, वो चीज आगे बढ़ेगी, लेकिन उसका अंकुरण विवाह संबंध से नहीं होगा। अंकुरण अगर हम भोजन व्यवहार से करेंगे तो होगा जी। तो एक दिन आप तय कर लो जी। जी अच्छा, और आपको मेघराज जी एक विचित्र बात बताते हैं। ये बहन जी ने बोला कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी जातियां बना दी सूत्रों में। अच्छा, ब्राह्मणों में क्या बनाया? ब्राह्मणों में बनाया द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। इनका मतलब होता है दो वेद का जानने वाला, द्विवेदी दुबे, तीन वेद का जानने वाला त्रिवेदी तिवारी, चार वेद का जानने वाला चतुर्वेदी चौबे, है ना। तो ये डिग्रियां हैं, जैसे कि MBBS, MD, MS, ये डिग्रियां होती हैं। लेकिन आपके लिए उन्होंने क्या किया, आप बचपन से पैदा होते ही से आप वो बन जाओ जो उनको बनाना है, दलित बन जाओ, और अपना बेटा पैदा होते ही से, अभी उसको वेद का नाम भी नहीं मालूम है, वो पहले से ही द्विवेदी हो जाता है, पहले से ही त्रिवेदी हो जाता है, पहले ही चतुर्वेदी हो जाता है। तो ये बेनिफिट उन्होंने शुरू से प्राप्त कर लिया है, और आपको जो घाटा है वो शुरू से दे दिया है। इसके लिए आप जितना भी उनका प्रतिकार करो,
जितना भी उनकी बुराई करो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में शर्म होती है ना वो इन बारे में विचार करता है कि लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे को झूठा बोलेंगे, मेरे को कपटी बोलेंगे, मेरे को छल करने वाला बोलेंगे, मेरे को अन्यायी बोलेंगे। लेकिन उनको तो ये अपनी तारीफ लगती है, आप उनको कपटी बोलो, आप उनको अन्यायी बोलो, आप उनको हिंसक बोलो, आप उनको क्रूर बोलो, आप उनको बलात्कारी बोलो, रेपिस्ट बोलो, ये तो उनकी प्रशंसा की डिग्रियां हैं। आप उसमें उनको निराश नहीं कर पाएंगे, आप निराश कर पाएंगे लव से लपट बनने का। अब उसका माध्यम आपको ही सोचना है क्या ऐसे कमीण, मतलब वो क्या कहते हैं, कमहीन लोग है जो मतलब कुछ भी कहने में बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना ही कहने वाले। तो हम तो अब चाह रहे हैं कि हम उनको क्या कहें, हम तो जो अपने अपने चाल चल रहे हैं, जो हमें करना काम वो हम करेंगे। आपकी बात को मान कर इसमें जो आपने प्लान बताया है कि एक तो जो फैमिली चार फैमिली को हम रोटी का प्रबंध करते हैं हर हफ्ते, उन्होंने कोई सिस्टम लागू कर रहे हैं जल्दी, ताकि ये लो से जो आप कहते हैं लपट बनने के लिए उसको तैयारी करें और उसको हम बहुत जल्दी करेंगे इसको काम। मोहन जी इसमें लास्ट में क्या करना चाहेंगे, ब्रजमान जी हमारा टाइम समाप्त हो गया तो लास्ट में बस लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग ईमानदारी से काम करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और दिखावा कम करें, उसे धरातल पर ज्यादा उतारने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे समाज की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि भले ही बाबा साहब के विचारों को वो 1% नहीं मानता हो, लेकिन जैसे ही अम्बेडकर जयंती आई साल में एक बार उसे याद आता है, वो फोटो खींच के जरूर डालेगा, बाकी 365 दिन क्या किया ये उसे कोई मतलब नहीं है। जब ब्यास आदि की बात आती है तो वही साली पूरी की पूरी रूढ़वादी व्यवस्था, तो भले ही काम करें 2% करें, लेकिन जो कहें वो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा तो बस मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैं जो अपने हिसाब से जीता हूं कि वही कहो जो कर सकते, और यही मैं सभी कमी समझता हूं, ये हमारे समाज की खास कमी है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। बस जी ये जो भाई जी हैं, क्या उनका शुभ नाम है, मोहन जी आपने बताया ना, ब्रजमोहन जी, इन्होंने बहुत अच्छा कहा और उसमें उसके बाद कहने लायक कोई जरूरत ही नहीं है। फाइनल कुछ ऐड करें कर सकते हो, इसको लड़की को जोड़े थोड़ा इसी पे जोड़ देता हूं सर मैं, लेकिन व्यवहार में फिर साल भर नहीं रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमको किसी को बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम अपने अंदर में झांक करके देखें, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें, तो शत्रु प्रबल नहीं है, हम कमजोर हैं इसलिए हार रहे हैं, मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अभी याद आया, अभी 2 दिन पहले ही गाना रिलीज किया है, तो पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लास्ट अंतरा सुनाऊंगा जो उसका सार है। जय भीम का जाप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, जय भीम का जाप जपने से ना भीम का कर्ज चुकेगा, भीम ने राह दिखाई हमें उस पर चलना होगा, बुद्ध धम और संघ को मोहन तुम पहचानो, 22 प्रतिज्ञा अपना कर जीवन सफल बना, इतना बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। आपका भी नेट मेगा स्लो चल रहा है भाई साहब, जी मीना जी हम अभी समाप्ति हो जा रहे हैं, इसमें अगर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक से समझ में, क्या कह रहे हो? लास्ट में जा रहे हैं, लास्ट में क्या संदेश देना चाहती हो और क्या कहना चाहती हो हमारे दर्शकों को? जी सर, मैं तो जो कंडीशन मेरे साथ में हुए उनको मद्देनजर रखते हुए मैं देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म की हैं, सबको यही कहना चाहूंगी कि आप जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको जो शूद्र का दर्जा दिया गया था उनको दलदल से निकालने का जो काम किया है, वो सिर्फ ओनली ओनली सिर्फ बाबा साहब हैं जिन्होंने हम महिलाओं के लिए सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। तो जितने भी महिलाएं हैं उन सबको कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने घर में घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए,
अगर आप करना चाहो कि हमें अपने बाबा साहब के लिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ करना है तो वो बिल्कुल करना चाहिए, और साथ में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, परिवार सबके लिए जिम्मेदारी निभाती है, उससे टाइम निकाल करके नहीं, हमें शिक्षा को जारी रखना है और साथ में बाबा साहब के और जितने भी महापुरुषों का जो मिशन है, उनके विचार हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और तभी शायद हम लोगों का, पूरे देश का भला हो सकता है। तो मेरी यही लास्ट में कहूंगी कि सबसे जो सबका जो विकास हो सकता है वो सिर्फ शिक्षा है। कहा गया है कि शिक्षा वो दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा उससे निकल दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना है, पढ़ना है, लिखना है, अपनी बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को आज भी कहीं कहीं बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है, उनको आज भी अशिक्षित रखा जा रहा है। तो हमको अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, महापुरुषों का ज्ञान देना है, अपना इतिहास बताना है। ये सच की बात कर रहे हैं आप, सच्चाई और ईमानदारी में जो चलते हुए जो है, हमने जो वॉइस ऑफ मानव द टीवी स्टार्ट किया है, और वॉइस ऑफ मानव द, इसमें आपने बोला था मुरली मोहन जी की आपका कोई गाना इतना रिलीज नहीं हुआ अभी तक, मतलब आप कोई इतने नहीं, बहन जी ने बोला शायद हम इतने तगड़े गायक नहीं है, वैसे हम तगड़े गायकों को लेते भी नहीं है, हम उनको उठाते हैं जानते ही नहीं, जिनको कोई ले जाना है साथ में ले जाना चाहता है उन्हीं को साथ में ले सकते हैं, कि गुरुओं ने कहा कि हम जो गरीब आदमी है उसको साथ में लेके चलना, जिसको कोई नहीं पूछता उसको साथ में लेके चलना, ये हमारा सिख धर्म का जो फलसफा है। गुरुओं ने कहा कि इन गरीब सिक्कन को देव पातशाही याद रखे मेरी गुरियाई, और यहाँ पे भी कहा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले, दुष्ट का मतलब जो दूसरों हक मार के खाता हो उसको कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक मैं शायरी सुना देता हूँ आप सभी को, क्योंकि आपने जो लास्ट में बात की है कि सच्चाई और ईमानदारी की बात की ना आपने, तो मैं उसमें मैंने एक शायरी लिखी थी कम से कम दो इससे एक साल पहले, कि सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे। मीना जी शायद आपके काम आए, आप गाती है ना, तो शायद आपके काम आ जाए शायरी। सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे, अगर हम चलते रहे सच के रास्ते पर दृढ़ता से तो झूठ के पहाड़ धुएं की तरह उड़ जाएंगे, धुएं की तरह उड़ जाएंगे। आप तीनों का स्वागत है, उम्मीद करते हैं आपका ईमानदारी से पूरे काम करेंगे। स्वामी धन्यवाद आपका, और ब्रिज मोहन जी आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद बोलिए, सभी का आपका धन्यवाद। जी मेघना जी बहुत अच्छा लगा आपको, आज आपने बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात करा दी, बहुत अच्छा लगा सत श्री अकाल जी, धन्यवाद।